बजाज फ्रीडम 125 बजाज ने लॉन्च की दुनिया की पहली सीएनजी बाइक। 330 किलोमीटर रेंज और कीमत है इतनी। बजाज फ्रीडम 125 सीएनजी बाइक, छोड़ो कल की बातें, ये पेट्रोल की बातें। नए दौर में गीत सभी हैं सीएनजी की गाते। इन पंक्तियों के साथ आज देश की प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी बजाज ऑटो ने वो कर दिखाया है जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया। बजाज ऑटो ने आज दुनिया की पहली सीएनजी बाइक बजाज फ्रीडम को आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए लॉन्च किया है। इस ऐतिहासिक मोटरसाइकिल के लॉन्च के मौके पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे, जिन्होंने इसे गेम चेंजर बताया। आकर्षक लुक और स्पोर्टी डिजाइन से लैस इस बाइक की शुरुआती कीमत 95,000 रुपये एक्स शोरूम तय की गई है। कैसी है दुनिया की पहली सीएनजी बाइक? बजाज ऑटो ने अपनी इस बाइक को कम्यूटर सेगमेंट में लॉन्च किया है, लेकिन इस बाइक के लुक और डिजाइन पर टीम ने बड़ा काम किया है। पहली नजर में इस बाइक को देखने पर आपके मन में जो सवाल सबसे पहले आएगा वो है सीएनजी सिलेंडर। इस बाइक को देखकर आप शायद अंदाजा भी न लगा पाए कि कंपनी ने इस बाइक में सीएनजी सिलेंडर को कहाँ पर जगह दी है। इस बात की तारीफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी की। डिजाइन के मामले में बजाज ने फ्रीडम 125 के लिए मिनिमम लेकिन स्ट्रांग डिजाइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। इसमें फुली लेड हेडलाइट और टेल लाइट के साथ साथ हेलोजन इंडिकेटर्स दिए गए हैं। इसमें एक मोनोक्रोम एलसीडी डिस्प्ले के साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करता है। बजाज ने फ्यूल टैंक पर एक कॉमन फ्लैप दिया है जिसे ओपन कर आप पेट्रोल और सीएनजी दोनों रिफिल करवा सकते हैं। कहाँ है सीएनजी सिलेंडर? बजाज ऑटो का दावा है कि इस बाइक में सेगमेंट की सबसे लंबी सीट 785 mm दी गई है जो फ्रंट में फ्यूल टैंक को काफी हद तक कवर करती है। सीएनजी टैंक को इसी सीट के नीचे जगह दी गई है। इसमें हरा रंग सीएनजी को और ऑरेंज कलर पेट्रोल को दर्शाता है। इस बाइक में रोबस्ट ट्रेलिस फ्रेम दिया गया है जो कि बाइक को हल्का बनाने के साथ ही मजबूत भी बना देता है। कंपनी का कहना है कि इस बाइक ने इंडस्ट्री के 11 अलग अलग टेस्ट को पास किया है जो कि इसे पूरी तरह से सेफ बनाते हैं। इस बाइक को फ्रंट, साइड, टॉप और यहां तक कि ट्रक के नीचे रौंदकर भी टेस्ट किया गया है। पावर, परफॉर्मेंस और माइलेज। दुनिया की पहली सीएनजी बाइक बजाज फ्रीडम में कंपनी ने 125 सीसी की क्षमता का पेट्रोल इंजन दिया है। ये इंजन 9.5 पीएस की पावर और 9.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें कंपनी ने 2 लीटर का पेट्रोल फ्यूल टैंक और 2 किग्रा की धारिता का सीएनजी टैंक दिया है। कंपनी का दावा है कि ये बाइक फुल टैंक पेट्रोल जोड़ सीएनजी में 330 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज देता है। माइलेज की बात करें तो ये बाइक 1 किग्रा सीएनजी में 102 किलोमीटर और 1 लीटर पेट्रोल में 67 किलोमीटर का माइलेज देती है। एक स्विच से बदलेगा मोड, ये बाइक पेट्रोल और सीएनजी दोनों मोड में ड्राइव की जा सकती है। इसके लिए कंपनी ने हैंडल बार पर एक स्विच दिया है जिसमें मोड चेंज करने का बटन मिलता है, यानी एक बटन दबाने मात्र से आप पेट्रोल से सीएनजी मोड में बदल सकेंगे। बाइक में जो सीएनजी सिलेंडर दिया गया है उसका वजन 16 किग्रा है, वहीं सीएनजी भरवाने के बाद ये 18 किग्रा का हो जाता है। बजाज फ्रीडम का कुल वजन 147 किग्रा है जो कि CT125X के मुकाबले तकरीबन 16 किग्रा ज्यादा है। बजाज फ्रीडम को कंपनी ने कुल 3 वेरियंट्स में पेश किया है जो कि डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक दोनों ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आते हैं। ये बाइक कुल 7 रंगों में बिक्री के लिए उपलब्ध है जिसमें कैरेबियन ब्लू, एबोनी ब्लैक ग्रे, प्यूटर ग्रे ब्लैक, रेसिंग ग्रे, साइबर व्हाइट, प्यूटर ग्रे येलो, एबोनी ब्लैक रेड कलर शामिल हैं। 75,000 रुपये की बचत। बजाज ऑटो का दावा है कि इस बाइक की रनिंग कॉस्ट किसी भी पेट्रोल मॉडल की तुलना में बेहद कम है। डेली यूज के दौरान इसका ऑपरेशन कॉस्ट तकरीबन 50% कम होगा। इस लिहाज से ये बाइक के यूज के दौरान वाहन मालिक आगामी 5 सालों में तकरीबन 75,000 रुपये तक की बचत कर सकता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।